हेलो डीपीआर एस्पिरेंट्स, 25 फरवरी को हमारा मॉक टेस्ट शुरू होगा। वो 10 बजे हमारे गूगल क्लासरूम में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपने गूगल क्लासरूम नहीं ज्वाइन किया है तो आप गूगल क्लासरूम नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम में एंटर करते ही आपको टेस्ट से रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे और जो भी स्टडी मटेरियल है वो भी आपको दे दिए जाएंगे। यहाँ आपको बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, मैं टिक करके इसको टर्न इन कर सकता हूँ, यानी कि सबमिट कर सकता हूँ। तो इस तरह करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि स्टडी मटेरियल और इंस्ट्रक्शन जो भी है सभी आपको मिल जाएंगे। ये सब देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बहुत सारे हैं यहाँ पर। आप जाके इन सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक टेस्ट से पहले। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे देखिए यहाँ इंडेक्स नंबर के फॉर्मूलाज वगैरह सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और यहाँ देखिए टेस्ट का सिलेबस भी आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा। यहाँ दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक से टेस्ट में सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी नहीं होगा हमारे टेस्ट सीरीज में। इंडियन इकोनॉमी हम ये मान के चल रहे हैं कि आप खुद से कर लेंगे, क्योंकि इतने कम समय में इंडियन इकोनॉमी के लिए कोई कोर्स पढ़ाना, उसको बताना ये आसान नहीं है। और इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी कंप्लीट नहीं होता। तो वो अपने से करें, कुछ इंस्ट्रक्शन उससे भी रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। बाकी यहाँ प्रैक्टिस करके आपको टेस्ट से पहले ही अभ्यास हो जाएगा अच्छा खासा, तो वो भी आपको रहेगा। और एक बात मैं बता दूँ कि जो टेस्ट टेस्ट है, और यहाँ देखिए कि ये सारे मटेरियल भी आपको दिए हुए हैं कि कौन कौन से बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये सब भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट के बारे में और कुछ मैं आपको बता दूं कि टेस्ट जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको तुरंत वहाँ पे आंसर की और आपका स्कोर मिल जाएगा। आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। और एक बार आप शुरू करेंगे तो आपको उसके कंप्लीट करके ही सबमिट करना है। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो आपको बाद में शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। और फिर अगर और कौन सा क्वेश्चन पहले करना है ये कोई तय नहीं है, आप किसी भी क्वेश्चन को पहले कर सकते हैं। और आपका टाइम रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा कि आप किस टाइम में किए हैं और कितने ड्यूरेशन में किए हैं, सिर्फ आपका आंसर की ही रिकॉर्ड किया जाएगा और कुछ रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, इतना कहकर मैं समाप्त करता हूँ वीडियो को। आप जल्दी जल्दी क्लासरूम ज्वाइन कर लें ताकि 25 फरवरी को टेस्ट दे दें। और भी एक बात मैं बता दूँ कि टेस्ट के हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, वो भी क्लासरूम में ही मिलेगा, आपको पब्लिकली अवेलेबल वो नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद।